नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। आज हम बात करेंगे बहुत बड़ी अपडेट के बारे में, 56,000 सिपाहियों की भर्ती 1 नवंबर से। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। डिटेल में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी के शुरू। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्सों को देखने के लिए सिंपल सा आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको वहां पर मुझे सर्च करना है मेरा नाम सर्च बॉक्स में अभिनव सिंह। मेरे द्वारा बनाए गए UP SSC एग्ज़ाम के लिए सभी बेस्ट व बेहतरीन कोर्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने वहाँ पर आपको अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए भी कोर्स लगातार दिए हैं। तो यहाँ पर आपका जो अपडेट है कि पुलिस विभाग में सिपाही समेत कई पदों पर होंगी 56,880 भर्तियाँ, 1 नवंबर से कर सकेंगे आवेदन, जनवरी में होंगी लिखित परीक्षा। आगे यहाँ पर क्या है कि सिपाही के 51,216 समेत फायरमैन, बंदी रक्षक व घुड़सवार पुलिस के पद होंगे और भर्ती में नहीं होगा साक्षात्कार और आरक्षण के सभी नियम यहाँ पर लागू होंगे। और एक और जो आपका बड़ा अपडेट है यहाँ पर कि मिलेगी आयु में छूट, यानी कि यहाँ पर छूट मिलेगा एज में। पिछली अंतिम पुलिस भर्ती के दौरान पात्र अभ्यर्थियों को नई भर्ती में आयु में छूट भी मिलेगी और प्रमुख गृह सचिव के अनुसार वर्ष 2018 में अर्हता से बाहर हो गए अभ्यर्थियों को एक अवसर मिलेगा। नियमावली के अनुसार भर्ती के लिए जो अर्हताएँ होंगी उनमें 1 जुलाई 2018 को अभ्यर्थी की आयु 18 से कम नहीं और 22 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय में किए गए वादे के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड 1 जुलाई 2017 को अर्हता से बाहर हो गई अभ्यर्थियों को भी यहां पर मौका देगा। और सरकार ने वर्ष 2017 में न्यायालय में हर वर्ष 30,000 भर्ती देने की बात कही थी, लेकिन 2017 में कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ था, इसलिए जो लोग 17 में बाहर हो गए थे उनको यहाँ पर 18 में फिर से मौका दिया जाएगा, तो उन लोगों को यहाँ पर छूट मिलेगा। आगे यहाँ पर क्या है कि ये होंगी तारीखें, यानी कि 1 नवंबर से 30 दिसंबर तक 2018 के मध्य अभ्यर्थी कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन और 4 से 5 जनवरी 2019 को दो दो पालियों में होगी लिखित परीक्षा। जून में आएगा इसका रिजल्ट, तीसरे सप्ताह में घोषित किया जाएगा। आगे यहाँ पर आपका क्या है कि फायरमैन भर्ती यानी कि 5 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच होगा ऑनलाइन आवेदन, 10 जनवरी 2019 को होगी परीक्षा और जुलाई में इसका आएगा रिजल्ट फायरमैन का। और आगे क्या है कि आपका बंदी रक्षक, इसमें क्या है कि 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक आवेदन, 8 से 9 जनवरी को परीक्षा और जुलाई में आएगा इसका परिणाम। और इसी परीक्षा के साथ जो है घुड़सवार की भी यहाँ पर आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। आगे यहाँ पर क्या है कि 6400 महिलाओं के लिए मौका, यानी कि 32,000 पदों पर सिविल पुलिस की आरक्षियों की परीक्षा में 20% पद जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित होंगे और इसके अनुरूप 6400 महिलाओं को पुलिस में भर्ती होने का मौका यहाँ पर मिलेगा। आगे यहाँ पर जो आपका अपडेट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी के मौके पर पुलिस में बंपर भर्ती का रास्ता खोल दिया है। शासन ने गुरुवार को 56,880 पदों पर भर्ती कराए जाने की घोषणा की है, जिसमें सिपाही के 51,216 पद शामिल हैं। इसके अलावा फायरमैन, बंदी रक्षक, घुड़सवार के पद भी यहाँ पर शामिल हैं। सिपाही भर्ती का आवेदन 1 नवंबर से कर सकेंगे, जनवरी में इसका होगा लिखित परीक्षा। और प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर सभी पदों का यहाँ पर जानकारी दिया है। आगे यहाँ पर आपका क्या है कि प्रमुख गृह सचिव ने बताया कि भर्ती में कोई साक्षात्कार नहीं होगा और आरक्षण के सभी नियम यहाँ पर लागू किए जाएंगे। आगे यहाँ पर है कि पुलिस विभाग में सिविल पुलिस व PCS से कुल स्वीकृत 229,000 से अधिक पदों में करीब 57,000 पद अभी रिक्त हैं और मुख्यमंत्री ने इसको जल्द पूरा करने के लिए बोला है। आगे यहाँ पर क्या है, आगे यहाँ पर आपका है कि 51,216 पुलिस आरक्षकों की भर्ती जल्द की जाएगी। और आगे यहाँ पर क्या आपका अपडेट है कि इसके तहत 32,000 पदों पर सिविल पुलिस के आरक्षियों और 19,216 पदों में PSC की भर्ती होगी और ऐसे में ही फायरमैन के कुल 5,040 पद हैं, जिसमें कि 1924 पद रिक्त हैं, 1679 का अध्याचन भेजा जा चुका है, जबकि फायरमैन के 1924 पदों की भर्ती यहाँ पर कराई जाएगी। वहीं कारागार प्रशासन में बंदी रक्षकों के कुल स्वीकृत पद हैं पदों के अनुसार 50% यहाँ पर रिक्त चल रही है, ठीक है, कमी हो रही है।
और बंदी रक्षकों के 3638 पदों पर सीधी भर्ती यहाँ पर होगी, जिसमें कि महिला के लिए 626 पद हैं और घुड़सवार पुलिस के लिए 102 यहाँ पर आपके पद होंगे। तो ये पूरा अपडेट यहाँ पर दिया गया है खुद आपके यूपी के यूपी पुलिस के जो डीजीपी हैं ओपी सिंह और गृह सचिव अरविंद कुमार के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए सिपाही भर्ती को लेकर। बाय, टेक केयर, सी यू।